एमपी के रीवा में पंजाब के सीएम भगवंत मान का दूसरे दिन भी तूफानी दौरा जारी रहा। बीते कल वह विंध्य के सिंधी जिले में स्थित चुरहट विधानसभा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे देर शाम रीवा पहुंचकर रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज दूसरे दिन वह रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा पहुंचे, जहाँ अतरेला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से आप प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसके बाद वह नवागत मऊगंज जिले में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। सिरमौर पहुंचे भगवंत मान ने बताया, सिरमौर का मतलब सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अतरेला में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पंजाब सीएम भगवंत मान ने आप प्रत्याशी सरिता पांडे के पक्ष में वोट करने की अपील की। महसूस हो रही है बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, ये सब बातें, हम रोजगार सब बताते रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो जोत हमने पंजाब और दिल्ली में जगाई है, उस जोत से पूरे देश में हम और चिराग जगाए। इनकी फितरत है, जहाँ जनता साथ नहीं देती वहाँ ईडी यूज करते हैं। तो संजय सिंह को जेल भेज दिया गया, जिन्होंने स्कूल बनाए मेरी सिसोदिया को जेल भेज दिया, जिन्होंने अस्पताल बनाए सुरेंद्र जैन को जेल भेज दिया। तो इनको लगता है शायद ये नेताओं की पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है। कितने नेताओं को अंदर करोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाए। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। कितने कितने नेता हमारे जो है वो ये जेल में देंगे? संजय सिंह के लिए जेल कोई नई बात नहीं है। संजय सिंह सुल्तानपुर के फुटपाथ पर बैठे लोगों को हेल्प करते थे। तो संजय सिंह का दिल फुटपाथ से शुरू हुआ है, इनकी तरह नहीं है। जब एक देश एक दोस्त सिर्फ एक ही बंदे को, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा में बोलते थे कि मोदी अडानी भाई भाई, तो ये बात उनसे उनको रास नहीं आई। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक देश एक दोस्त, एक ही दोस्त को सब कुछ लुटा दिया। ये भी तो दुकानदार हैं, इन्होंने भी तो काम कर रहे हैं। तो ये आने वाले जो 24 के चुनाव में भी और मध्य प्रदेश के विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो इनको ट्रेलर दिखाने वाली है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।